हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मीडिया जोन पाकिस्तान के साथ मैं हूं सुहेल मलिक। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं हार्वेस्टर मशीन के बारे में कि इसके क्या एक्सपेंसेस वगैरह हैं, ये कितने में आती है, इसको चलाया कैसे जाता है, इसके फ़वाद क्या हैं और इसकी ए टू जेड डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। एज अ फार्मर आपको क्या फ़वाद हो सकते हैं इससे, एंड एज अ ऑनर आपको क्या क्या फ़वाद हो सकते हैं इससे, आज हम आपको ए टू जेड इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। जुड़े रहिए मीडिया जोन पाकिस्तान। जी तो फ्रेंड्स, इस वक्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो इस मशीन के ऑनर हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि एज़ अ फार्मर इंसान को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है इस मशीन से, एंड एज़ अ ऑनर इस मशीन के मतलब क्या फ़वाद पहुंच सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम? नाम मेरा मोहम्मद सदीक। सदीक भाई, हमें यह बताएँ कि इस मशीन के किसान को क्या फ़ायदे पहुँचते हैं, पहले तो हमें यह बताएँ। जी इसके फायदे ही फायदे हैं भाई जान, इसके इस दौर जिहड़े नहीं अपना है अपना नहीं जिहड़े मजदूर लोग लभदे काम ने, इस वास्ते जिहड़ी हार्वेस्टर दा काम है इस टाइम बेहतरीन है, इहदा फायदा है। ठीक, एज ऑनर मतलब आप इस मशीन के मालिक हैं, आपको क्या फायदा पहुँच रहा है इससे? जी असी तो रोजी वास्ते ही आए हाँ, तो अल्लाह का है शुक्र सानू तो रोजी लभदी पई माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, मैं इस मशीन के बारे में बताएं कि ये किस कंपनी की मशीन है? ये जी मशीन, इसका नाम है अपना हार्वेस्टर, ये आई है ऑलैंड तो आँदी है, तो अपना है शहर गुजरांवाला, उत्थे इन्हां दे अपना ना शोरूम बने ने, तो उत्थों फिर ना उत्थे आउंदियां ने, तो उत्थों फिर असीं खरीदते इन्हां नूं। हाँ, इसके इंजन के बारे में बताएं, इंजन कितने HP का है, मतलब कैसा है ये इंजन? इंजन ये जी नहीं अपना जी है बेडफोर्ड, उन्हां दे इंजन ने अपना है फोर्ड इंजन ने इन्हां दे, हाँ आम इंजन ने, एडे एडे कोई नहीं इंजन है भी जिन्हां दा नाम होर होवे, आम ही इंजन ने। अच्छा, मैं मॉडल के बारे में बताएं, ये कौन सा मॉडल है, ये स्पेशली आपकी जो मशीन है ये कौन सा मॉडल है? ये मॉडल है जी 1979। हाँ जी। अच्छा, इसके ऊपर 80-70 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये एक होंगी कंपनी का होंगे नाम, उन्होंने उन्होंने अपना नाम उन्होंने एक रखा होंगे कंपनी का, इस तो पहले होर मॉडल से उन्होंने नाँ होर से, हूँ ये अपना नवे मॉडल आ गए ने, इन्हों का ना 80-70 लिखा गया, फिर इस तो अगे मॉडल आ गए ने, उन्होंने ना आ गया 64 के, यानी कि जो मॉडल चेंज होता है इन्होंने। हाँ जी। अच्छा, इसके सामने फ्रंट पे जो कटर लगा हुआ है, आप हमें कटर के बारे में बताएं कि कटर किस कितनी अकसाम के होते हैं और क्या क्या काम है इनका? इन्हों का काम यह है जी, इन्होंने जेडे नहीं तुम चावल खाते भी जिन्हें दाई कहें, असी मूंजी सदते और अपना मूंजी भी कट्टी जाती है, तो अपना ये सूरजमुखी भी कट्टी जाती है, ये अपना जो जौ कट्टे जाते हैं, ये फिर जी गंदम कट्टी जाती है। अच्छा, मैं ये बताएं, एक ही कटर से ये सारे काम लिए जाते हैं, या हर मतलब चावल की फसल के लिए अलग कटर होता है, मकई की फसल के लिए अलग कटर होता है और गंदम के लिए अलग कटर होता है? कटर सारा अगों एक ही होता, बेच तो एक चीज़ होती है सिर्फ, वो बेच भाजी चेंज करनी पी बस। तो कोई नाम वगैरह है, वो क्या चीज़ होती है? ना असी ना है किट, असी सदते हैं। हाँ जी, जी चावल वाली किट लैदा होंगी, जी अपना गंदम वाली किट वक्री होंगी। हाँ जी। अच्छा, इसकी कीमत क्या है, आपने इस मशीन को कितने में ख़रीदा था, अगर कोई ख़रीदना चाहे तो आप उसको मतलब क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी असी ये आज तो 2 साल पहले ये असा खरीदी सी 48 लाख की। हाँ जी, उन्होंने असा अपना 30 लाख दिता ही एडवांस, 6-6 लाख के उन्होंने असा कि 3 टोटे अपना किश्तों के, तो असा ला के फारग हो गए बिल्कुल। अच्छा, इस मशीन पर क्या क्या एक्सपेंसिस आ जाते हैं, क्या खर्चा है इस मशीन का? खर्चा फिर वेखो जो हम अपना जो गंदम की जो तैयारी करी दी है, तो अपना दो अपना 2.5 लाख रुपया उत्ते खर्चा है रिपेयरिंग का। हाँ जी, तो जो अगों फिर चावलों की अगों करी दी तैयारी, उदों भी 2-2.5 लाख खर्चा उत्ते आता मशीन से। हाँ जी। अच्छा, मैं ये बताएं कि ये जो सीजन है, सीजन में आप कितना कमा लेते हैं इस मशीन से? सीजन अल्लाह खैर करे, अगर खैर ही खैर करिए काम चलता रहे, वाला 7-8 लाख आमदन आ जाती बचत। अच्छा, मैं स्टोरेज के बारे में बताएं कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, कितने मन गंदम ये अपने अंदर स्टोर कर लेती है? इन्हों का जो टापा नहीं हों, जे टापे के वाला भाई 100 मन थी पी गंदम। ठीक। हाँ जी, वो अपना 100 मन गंदम जी अपना जमा हो जाती। अच्छा सर, हमें यह बताएं कि इस मशीन से क्या क्या मतलब कटाई की जा सकती है? पहले सारे दे नाल कटी जाती गंदम, उस तो बाद कटिया जाता है अपना सारे दे नाल अपना सूरजमुखिया, उस तो बाद असी फिर लाहौर जाके शटाले का बीज असा कटते,
फिर उस तो बाद असी ये करते मूंजी की कटाई। जो मूंजी की असा सर करके कटाई वेले होंगे फिर असा छे महीने वेले रहना होंगे फिर कोई काम असी कह नहीं करते। अच्छा, जब ये मशीन ख़राब हो जाती है तो इसको आप बनवाने के लिए कहीं ले जाते हैं या खुद ही मतलब इसको रिपेयर कर लेते हैं? जी नहीं, मैं इनू आप ही अपने हाथी इनू तैयार करता, अपने हाथी इनू मैं अपना रिपेयर करता। अल्लाह का शुक्र है, इंजन एदा जिहड़ा इंजन तो लैके सारा गेयर तक मैं आप सारा मकैनिक गया था। अच्छा, इसके ऑयल के बारे में हमें बताएं कि इसका जो मोबाइल ऑयल है ये कितने अर्से बाद चेंज किया जा सकता है और कैसे पता चलता है कि आप चेंज करना है? जी एदा जिहड़ा नीगा अपना मोबाइल ऑयल है, असीं एक एवरेज रखी इहदे नाल, यह जी नहीं अपना गंदम की कटाई जो यदी अपना 200 किला हो जाती फिर असी जरा ऐल अपना चेंज करते हैं। जी अपना मूंजी की कटाई आ जो 100 किला हो जाती है उदो असी जरा अपना मोबाइल चेंज करते हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से ये बहुत ही प्रॉफिटेबल और मतलब मुनाफा बख्श बिजनेस है। अगर कोई भाई करना चाहे और ये मशीन लेना चाहे तो आप उसको क्या मशवरा देंगे कि वो उसे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? सर मैं तो यही कहना उन्होंने लोगों को भी जेडे साडे अर्गे अपना चिट्टे अनपढ़ ना वो अपना इस कारोबार करन उन्हां वास्ते फायदा, क्योंकि होर कार कुछ नहीं सकते। तो जेडे अपना भाजी पढ़े लिखे लोग ने उन्हां वास्ते घाटे बंदा कारोबार है। इसकी वजह क्या है, मतलब उनके लिए क्यों ये घाटे का? उन्हां वास्ते भी वो होंदे पढ़े लिखे, उन्होंने भाजी अपने घट्टे तो उन्होंने भाजी वैसे ही उन्होंने नफरत होंदी है। हाँ जी, कंड घटे तो नफरत होंगी है, हूँ ये चिट्टे अन्न पाड़े हैं, असी जाच भी यो सीखी है तो अं कार भी यो सकते हैं। चले हमें ये बताएं कि इस मशीन में सेफ्टी के लिए क्या इकदाम आते हैं, क्या करना चाहिए सेफ्टी हिफाजत के लिए, इसमें क्या क्या है? कि मैंने समझ नहीं लगी सवाल दी। नहीं, हिफाजत इसकी आप कैसे करते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी मशीन है, इसकी कैसे हिफाजत करते हैं आप? हिफाजत वेखो जी, एक साडा तो बहाना ही होंदा हिफाजत जी, सारे की भी अल्लाह पाक करता तो इस चीज़ की भी अल्लाह पाक ही करता। हाँ जी। अच्छा भाई, हमें ये बताएं कि फी घंटा ये कितनी कटाई कर लेती है मशीन? अगर ये सर सही बिल्कुल चलती रहे ना तो एक जी अपना घंटे की एवरेज है ना, अल्लाह खैर करे दी अपना है 4 एकड़। हाँ जी, अगर सुबह तो लैके सुबह 8 तो लैके शाम 8 बजे तक चले खैर से अपना कैरी सलामती तो 35 एकड़ सुकून भाई जी अपना कट वेंदी है। अच्छा, इस मशीन को चलाने के लिए क्या तजर्बा क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए इंसान में, इससे पहले क्या करना पड़ता है, कोई कोर्स करना पड़ता है इसका, कैसे मतलब इंसान ड्राइवर बनता है इसका? ये तो सर कोर्स कार से तो कोई नहीं कहेगा, ये तो बात इसके हैं कोर्स वोकेशनल में मैंने देखे हैं कि इस मशीन को चलाने के वो कोर्स वगैरह वो कर रहे हैं गवर्नमेंट। अं तो कोई कोर्स नहीं सीखे, अं तो बस साडा उस्ताद ही वो अं अपना मैं 7-8 साल काम किया तो उन्हें सीट पर बहाया तो उन्हें जा सिखाई है मैनू, उन्होंने आपको फुल ट्रेन कर दिया था इस मशीन की तो आस्ता आस्ता फिर जी खोलन मिलन की फिर जो बंदा ये सीट तो चला जो अपना दह पवे चला दह पवे फिर खोलन मिलन की भी जा आस्ता आस्ता आपे आ जाती है। फिर आपने स्टोरेज नहीं बताया कि इसमें कितने गंदम मतलब स्टोर हो जाते हैं? ये सारा अपना टप ये भाई जी अपना हो जाती 100 मन आ जाती गंदम। हाँ जी जी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो हार्वेस्टर मशीन के ऊपर, जिस पे हमने आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपने पसंद की तो हमारे चैनल मीडिया जोन पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी मजीद मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक डायरेक्ट पहुँचें। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, उसका हम आपको भरपूर जवाब देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।